गुड मॉर्निंग एवरी वन, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ एट होम, बिकॉज़ वी शुड स्टे एट होम, सेफ एट होम. टुडेज आवर इंग्लिश टॉपिक इज हाउ टू कीप आवर सेल्फ क्लीन. हाउ टू कीप आवर सेल्फ क्लीन मीन कि हम अपने आप को साफ़ सुथरा कैसे रखते हैं. आपको पता है ना, नाउ डेज हम लोग घर में हैं और हम लोगों को अपने इर्द गिर्द और अपने घर की और अपने आप की भी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं. क्योंकि जर्म्स हमें बीमार करते हैं और ये जर्म्स जो होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं, वो इर्द गिर्द हमारे हर जगह पर होते हैं. तो हम लोग अगर अपने इर्द गिर्द सफाई रखेंगे तो हम लोग इन जर्म्स से अपने आप को बचा सकेंगे और इन जर्म्स की वजह से जो बीमारियाँ हमें लगती हैं हम उससे भी अपने आप को बचा सकेंगे. ओके, जैसे कि आज मैंने आपके सामने एक कुछ पिक्चर्स के ज़रिए आपको मैं बताऊंगी दैट हाउ कैन वी क्लीन आवर सेल्फ्स, कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको अगर हम लोग अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो हम लोग अपने आप को इन तमाम बीमारियों से बचा सकेंगे, जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं, उन सब जम से अपने आप को बचा सकेंगे. ओके जी, फर्स्ट रूल है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, मतलब हमने अपने दांत साफ़ करने हैं कितनी दफ़ा? दो दफ़ा दिन में. हमें अपने दांत जो है वो दिन में दो दफ़ा, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले साफ़ करने चाहिए. टेक अ बाथ डेली, हम लोगों को हर रोज़ नहाना चाहिए, गर्मी हो सर्दी हो हमें हर रोज़ नहाना चाहिए ताकि हम अपने आप को हम अपने बॉडी को जम से बचा सके और उनसे दूर कर सके, उनसे पाक कर हम लोग जो है वो अपने आप को सेफ कर सके. ओके जी, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. आपको पता है ना, खाना खाने से पहले और बाद में हमें क्या करना चाहिए, अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए और हैंड्स वॉश करके ही हमें अपना खाना खाना चाहिए. और इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी करनी है जो कि फूड से रिलेटेड हो तो हमें अपने सबसे पहले हैंड वॉश करने चाहिए. कॉम योर हेयर, कॉम योर हेयर मीन्स आपने अपने बालों को भी कंघी करनी है. इससे क्या होगा, आपके बाल नीट रहेंगे, आपके बाल जो है वो गंदे नहीं होंगे, उनमें उलझने नहीं होंगी, तो वो बहुत क्लीन लगेंगे. ड्रेसअप नाइसली, ड्रेसअप नाइसली मीन्स कि ज़रूरी नहीं कि ये तो बच्चे ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो हम लोग यूनिफॉर्म ही पहन के अच्छे लग सकते हैं. नहीं, हमें अपने कपड़े जो हैं वो साफ़ सुथरे पहनने चाहिए, गंदे नहीं पहनने चाहिए, उनके ऊपर कोई भी डर्ट नहीं होनी चाहिए, कोई उनके ऊपर कोई मार्क नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे कपड़े जो है वो गंदे लग रहे हो और हमने गंदे कपड़े पहने हो. नहीं नहीं, हमें तो साफ़ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ताकि लोग कहें कि वाह ये तो वेरी नाइस ड्रेस, आप बहुत प्यारे लग रहे हो. इस तरह से इन ये चंद ऐसे रूल्स हैं जिनको आप अप्लाई करते हो तो उससे क्या होता है, आप अपने आप को सेफ एंड हेल्थी रखते हो. होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय एवरीवन.